Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. To nazreen, main hoon Muhammed Salman Razvi aur aap dekh rahe hain sanakhwanemustafabangalore channel ko. Aaj hum phir se hazir aa chuke hain ek naye video ke sath, any golden words of the week episode ke third part mein. Pichle episode mein humne ek aisa wazifa bataya tha jisko karne se bacche jo hai farmabardar ban jayenge aur gustakhi nahi karenge. Aaj bhi aisa hi ek chhota sa wazifa batayenge aur uske kuch fayde bhi batayenge inshaallah. To is video ke sath aakhir tak bane rahe. Agar pasand aaya to like kijiye aur ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आपकी खिदमत करने का मौका अता फरमाएं. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. कुरान के मशहूर आयतों में से एक आयत ये भी है जिसको आयतल कुर्सी के नाम से जाना जाता है. ये कुरान के तीसरे पारे में पहली रुकू में ये आयत जो है वो मौजूद है. इस आयत के हम आज दो फ़ायदे बताएंगे. बहुत ही आसान ये वजीफ़ा है. आपने सुना होगा इंट्रो में, एक मरतबा रिवाइंड करके और फिर से सुन लें और इसको बैहट कर लें. ये बहुत ही आसान है. पहला फ़ायदा जो है, जो भी शख्स घर से निकलते वक्त जो दुआ है वो दुआ के बाद में अगर एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह ताला उसके करम से उसके आगे 70,000, दाएँ बाएँ और पीछे 70,000, यानी चारों ओर 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है उस बंदे की हिफाजत के लिए. और जब भी वो घर से निकल के जाके और घर से लौटने तक भी उसकी हिफाजत फरमाता है. और अगर लौटने से पहले उसकी मौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसे 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता है. और अगर वो घर में पहुंच जाए और पहुंचने के बाद एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी को फिर से पढ़ लें तो इंशाल्लाह उसके घर से अल्लाह ताला गरीबी को दूर कर देता है. तो ये रहा नाजरीन आयतुल कुर्सी के दो फ़ायदे. उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.